हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। आज मैं आपके लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, इंडियन आर्मी से जो रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पर्टिकुलर नाम पूछा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की बाकी देशों के साथ कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी वाली डिस्कस करेंगे, नेवी और एयरफोर्स वाली नहीं करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वीडियो शॉर्ट होगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कब हुआ और कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। तो बस नाम याद कर लेना, और कोई तरीका नहीं है, बस नाम याद कर लेना ताकि एग्जाम में टिक कर पाओ। सबसे पहले अगर हम लोग चाइना के साथ बात करें तो चाइना के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है हैंड इन हैंड। क्या है? हैंड इन हैंड। याद करने का एक ही तरीका होता है, उस चीज़ को बार बार बोला जाए। तो चाइना के साथ जो हमारी एक्सरसाइज हो रही है वो हैंड इन हैंड है। इसको याद कैसे करेंगे? चाइना से अभी हमारी लड़ाई चल रही है, तो अभी हमें दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए हम लोग के बीच में, तो हैंड इन हैंड से आप याद रख सकते हो। तो चाइना के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। और याद करने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे अच्छा तरीका होता है बार बार उसको बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। नेपाल के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो है सूर्य किरण। ठीक है, तो नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज है वो सूर्य किरण है। और एक तरह से देखा जाए तो नेपाल और जो इंडिया है दोनों का मेजर रिलीजन हिंदू है, तो हिंदू में सूर्य देवता होते हैं, तो वहीं से आप याद कर सकते हो कि नेपाल के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो सूर्य किरण है। याद करने का तरीका है, देखो अपने अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेपाल और इंडिया में जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो हिंदू है, और हिंदू में सूर्य देवता होते हैं, तो सूर्य किरण हमारी एक्सरसाइज का नाम हो गया। लेकिन बार बार बोलते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम में बस आपको टिक करना है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रीति। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो होती है संप्रीति। तो या तो इसको दो तीन बार बोल लो, बांग्लादेश के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो संप्रीति है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। वरना आप कोई न्यूमोनिक अपने हिसाब से बनाना इसका, आप लोग ट्राई करना कि कैसे बन सकता है बांग्लादेश के साथ, कैसे संप्रीति को रिलेट किया सकता है। ठीक है, चलो। श्रीलंका के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो मित्र शक्ति है। श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा मित्र है, तो वहां से हम लोग याद कर सकते हैं श्रीलंका के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? मित्र शक्ति। आपको बस एग्जाम में टिक करना है। ठीक है, मित्र शक्ति। और जब आप कोई चीज पढ़ा करो तो पिछला वाला रिवाइज किया करो। जैसे नेपाल के साथ कौन सी थी? सूर्य किरण। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ कौन सी थी? संप्रीति। ठीक है, चाइना के साथ कौन सी थी? हैंड इन हैंड। तो ऐसे पिछला वाला रिकॉल करते रहा करो। देखो यही है तरीका है याद करने का, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो पीछे वाला भी एक बार देखते रहो। ठीक है, तो बस ऐसे याद हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारी दो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये आर्मी वाली है, नेवी और एयरफोर्स वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। ठीक है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार करके दो नाम है। म्यांमार के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है, अभी मैंने ईयर नहीं बोला, कभी हुई होगी, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, रिसेंट में भी हो सकती है। म्यांमार के साथ जो हमारी एक्सरसाइज हुई थी वो है इम्बैक्स 2017, तो याद रखना इम्बैक्स। मलेशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई थी, ये एक्स माने एक्सरसाइज है यहाँ पर, इसका और कोई मतलब नहीं है, हरिमाऊ शक्ति। मलेशिया के साथ जो एक्सरसाइज हुई थी वो है हरिमाऊ शक्ति। दो तीन बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। मलेशिया के साथ जो एक्सरसाइज हुई थी वो है हरिमाऊ शक्ति। इंडोनेशिया के साथ जो एक्सरसाइज हुई थी वो है गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया और इंडिया में, इंडोनेशिया में काफी सारे हिंदू टेम्पल है, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं कि गरुड़ भगवान का टेम्पल, तो गरुड़ शक्ति। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? गरुड़ शक्ति। वियतनाम के साथ कौन सी हुई थी 2018 में? विनबैक्स। ठीक है, वियतनाम साफ साफ दिख रहा है, वी से वियतनाम स्टार्ट होता है और वी से विनबैक्स स्टार्ट होता है। मालदीव्स में कौन सी एक्सरसाइज? ये एसएससी में पूछा गया है, इससे पहले यूएसए वाला पूछा गया है और मालदीव वाला पूछा गया और दो तीन और पूछे गए। मालदीव के साथ जो हमारी एक्सरसाइज हुई थी वो एक्यूवेरियन एक्सरसाइज है, एक्यूवेरियन। ठीक है, रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? इंद्र। ओमान के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? अल नागा, अल नागा। जापान के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? धर्मा गार्डियन।
थाईलैंड के साथ कौन सी एक्साइज हुई थी? मैत्री। यूके के साथ कौन सी एक्साइज हुई थी? अजय वॉरियर। कजाकिस्तान के साथ कौन सी एक्साइज हुई थी? प्रबल दोस्तिक। मंगोलिया के साथ कौन सी एक्साइज हुई थी? नोमैडिक एलिफेंट। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मंगोल एक्चुअली आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनको खानाबदोश बोलते हैं। मंगोल घूमते रहते हैं, किसी एक जगह एक स्थान पर टिकते नहीं है, तो मंगोल नोमैड होते हैं, तो मंगोलिया का क्या बन गया? नोमैडिक एलिफेंट। सेशल्स एक द्वीप है, वहां पर हमारी मिलिट्री एक्साइज अभी हाल में हुई थी, तो उसका नाम क्या? लेमितिए। लेमितिए जो है एक्साइज है। सिंगापुर में जो हुई थी वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्साइज हुई थी सिंगापुर में। किर्गिस्तान में कौन सी एक्साइज हुई थी? खंजर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किर्गिस्तान में हुई थी खंजर, सिंगापुर में हुई थी बोल्ड कुरुक्षेत्र, सेशेल्स में हुई थी लेमेतिये, मंगोलिया में हुई थी नोमैडिक एलिफेंट, कजाकिस्तान में हुई थी प्रबल दोस्तिक, यूके में हुआ था एज ए वॉरियर, थाईलैंड में हुआ था मैत्री, जापान में हुआ था धर्मा गार्डियन, ओमान में हुआ था अल नागा, रशिया में हुआ था इंद्र, मालदीव्स में हुआ था एक्यूवेरिन, वियतनाम में हुआ था विनबैक्स, इंडोनेशिया में हुआ था गरुड़ शक्ति, मलेशिया में हुआ था हरिमाऊ शक्ति, म्यांमार में हुआ था इम्बैक्स 2017, यूएसए में हुआ था युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। एक्स माने एक्सरसाइज है। श्रीलंका में हुआ था मित्र शक्ति, बांग्लादेश में हुआ था संप्रीति, नेपाल में सूर्य किरण, चाइना हैंड इन हैंड, और यही है मिलिट्री एक्साइजेस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और इस वीडियो पे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट, और डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है सुबह 7 बजे, तो उसको जरूर देखा करो। थैंक यू।